अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम मैं साहिवाल में साबिर गुजर भाई के पास हूँ, जो कि चौधरी शरीफ गुजर भाई के पोते हैं। और माशाल्लाह बकरियों के अंदर इनका पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है। इनकी बकरियों की एक कंप्लीट हिस्ट्री चल रही है और माशाल्लाह बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इनके पास बकरियाँ हैं। और नानी दादी इनको सारी हिस्ट्री का पता है, इनसे सारी चीज़ें जानेंगे, बकरियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी है कि आपने अक्सर देखा होगा बकरियों के कानों पे एस का साइन होता है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपने बकरियाँ देखी होंगी। वो हाइट वाइज भी बकरियाँ अच्छी होती हैं, लेंथ वाइज भी अच्छी होती हैं, दूध के हवाले से भी अच्छी होती हैं। वो साबिर भाई की होती हैं, ऐसे नाम है साबिर भाई। तो इनकी हर बकरी के कान पर तकरीबन एस का साइन होता है, वो यही लगाते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब पूरी वीडियो जरूर देखें जी। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। क्या भाई जी, अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब, शुक्र अल्लाह जी। साबिर भाई, सबसे पहले तो ख़ानदानी विरसा बताएं कि कब से बकरियां रखते आ रहे हैं, क्या सिस्टम है? ये जनाब जदों दा पाकिस्तान बने उदों दीयां बकरियां साडियां तुरियां आ रही हैं। माशाल्लाह। हां जी। तो ये किसने रखनी शुरू की? ये दादे मेरे ने। और दादा का आपके नाम? मोहम्मद शरीफ गुजर। ठीक है। उसके बाद आपके वालिद साहब? जी मेरे वालिद साहब। और सरवर गुजर, उसके बाद मेरे को आई है। अब आपके पास है, यानी खानदानी माशाल्लाह खानदानी का मसला चली आ रही है, और आपके बाद आपकी इंशाल्लाह नस्लों में ये ऐसे सिस्टम चलेगा। हां जी हां जी। बाकी बकरियों के बारे में बताएं, किस टाइप की बकरियां आप पसंद करते हैं, और आजकल लोग किस टाइप की पसंद कर रहे हैं बकरियां? जेड़े आजकल दे शकीन है जी जी, वो कहंदे लम्मा कन होवे, ठीक है, ते कद ज्यादा होवे, वो बकरी बीतल। ठीक है। नहीं जनाब, ये जेड़ी बकरी है, ये बकरी जेड़ी प्योर अंबरसर दी बकरी सी ना जी जी, जेड़ी आपा कहंदे अंबरसर आ। हां जी। वो बकरी दा सिर्फ कन एड़ा हुंदा। ठीक है। वो बकरी दा कन ज्यादा वड्डा नहीं हुंदा। ठीक है। और आजकल तो ट्रेंड है बड़े कानों का, बड़े कान वाले को लोग और ज्यादा खालिस कहते हैं। जो नए शकीन है जी, बच्चे उठे हैं जी जी, वो कहते कान बड़ा हो, बकरी बीतल है, देसी है, यानी उन्होंने थोड़ा क्रॉस करा के अंदर नस्ल ऐसी बना दी है। ठीक हो गया। बाकी साबिर भाई बकरियां भी दिखाई है क्या कुछ? बिजली बकरी। माशाल्लाह जी, बहुत ही जबरदस्त। इनके काफी ज्यादा रेवण है साबिर गुजर भाई के, तो इन्हीं रेवड़ों में से एक रेवड़ के आपको भी जानवर दिखा रहे हैं। हाँ देखो जनाब, ये बकरी की कद है नहीं, या हाइट है नहीं, केड़ी शह है नहीं, तो कन वेख लो ये। अजकल बच्चे ने कहना भी ये बकरी बीतल नहीं, ऐसे ही है। हालांकि नस्ल वाइज माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। सात नस्लों तो साढ़े घर तुरी आ रही नस्ल इन्हों की। माशाल्लाह, सात नस्लों जो तक मैनू होश आ, इस तो पहले नहीं तुरी आँदी सी। माशाल्लाह। हाँ, जिस तक मैनू इन्हों की समझ आ ना, ये सात नस्लों तो साढ़े घर की जी। आ देखो माशाल्लाह। बाकी साबिर भाई, मैंने देखा है आपकी बकरियां जो हैं वो दूध में भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। ये सिर्फ असि नस्ल बनाई है इन दी। अच्छा। हाँ जी, थोड़ी सी अभी बकरियां जड़ियां दूध देन। आ देखो बकरी साडियां दा थन जड़ा बहुत प्यारा हो। माशाल्लाह। देखो ये बकरी ये 20 दिन लेंदी सून। 20 दिन लेती है सूने में। हाँ जी। और माशाल्लाह थन जड़ा देखें। और साबिर भाई, अमूमन ट्रेंड होता है कि लोग रेवड़ों में ब्रीडर बहुत बड़े छोड़ते हैं। हाँ जी। लेकिन आप जो हैं बकरों का खून देखते हैं कि असी बकरा छड़ना होंदा जेड़ा नस्ली होवे। ठीक है। असी कद नहीं वेखना। ठीक है। असी नहीं वेखना बहुत वड्डा वा। ठीक है। वो बकरियां जो कल नु पठा सुनदियां, कईयां दे चड्डे टुटे होंदे, कई थल्लों पतलियां निकलदियां। ठीक है। असी बकरा छड़ना थन चड्डे वाली बकरी दा। ठीक है। ये बकरे पे डिपेंड करता है अगे से बच्चे। हाँ, कैसे आएंगे, जेड़ी उंदी पठा होणगियां बकरे दीयां। ठीक है। बकरी चंगी दा होगा नस्ली होगी, उंदियां पठा थल्लों चंगियां निकलणगियां। ठीक है। आपको ज्यादा बकरों का शौक है या बकरियों का? बकरियों का। बकरियों का। तो आप बकरा वो छोड़ते हैं कि पट्ठे अच्छी आए जिसमें दूध में? साडे विच दो तीन फिर दे विच होके बच्चे भी रखे आ। अच्छा। आपदे घर दे रखे आ। ठीक है। हां जी। आ देखो बकरी। माशाल्लाह। चेक करें जी बकरियों की लंबाई देखें, और ये जद्दी पुश्ती चलती आ रही है जी इनके पास, ये देखें।
काफी ज्यादा बकरियां जी इनकी इस टाइम क्रॉस भी हैं। ये महीने महीने दी लगियां होईयां जी, इन्हें थां चढ़ना थोड़ा नजर आना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, ये देखें एक से बढ़ के एक है, बाकी इसके भी थन देखें। साबिर भाई ये दूध कितना कर जाती होगी? ये 5-5-6-6 किलो दूध दिन दिया बकरी। माशाल्लाह 5-5-6-6 किलो। ये देखें ले आ दो तेरा चोला ला के खा दे मेरे। देखो जी माशाल्लाह। एक मिनट लाइए, ये देखें दोस्तों ये कान पे निशान है एस नवे असल भी आ रहा है नवा है और नया एस भी दिखाइएगा। ये देखें माशाल्लाह। आपने एक चीज गौर की होगी कि इनको कान भी जो पसंद है वो इन्होंने बताया है और भी ये देखें माशाल्लाह। ये देखो जी ये आपके ब्रीडिंग वास्ते रखे हैं पूरा ब्रीडिंग के लिए। ये दांतों में क्या है इस टाइम? बच्चा ये 6 महीने का। माशाल्लाह 6 महीने का इस टाइम। और बकरियां इसे लगवा रहे हैं आप? नहीं हजे नहीं, अभी नहीं लगवा रहे। ओ परला परला माशाल्लाह। फिजीक चेक करें जी, चलने का स्टाइल चेक करें। बाकी साबिर भाई आपके पास तो माशाल्लाह आंख अब इतनी ज्यादा हो गई होगी जानवर देखने की। बिल्कुल जनाब, जद्दी पुश्ती तो विरसे में आपको पता है सिस्टम ही कुछ और होता है। ऐसे लगा होगा हुन अपनी बकरी। ये देखें जी ये वाला ऐसा लगा होगा माशाल्लाह। छोड़िया बैठा लिया साबिर भाई, मैं तो अब तक हजारों बकरियां देख चुका हूँ ऐसे वाली। आपके पास तो माशाल्लाह बड़े ज्यादा रेवन है जनाब। अभी जो बेच देने ना बकरी जी जी, अभी सेल कर देनी होंगी बिचो जी। जे कोई अगर आने का सर तो शौक ना लवे ना जी जी, अभी बकरी बेच देनी है तो फिर अगो जो मर्जी लाइए। ऐसे ही है हाँ, फिर वो बकरियां पूरे पाकिस्तान में फैल जाती हैं। फिर दिया बकरियां तुरी जाती हैं। ठीक है, साढ़े को लोग लाहौर भी ले जाते हैं। ठीक है, साढ़े को बकरियां सरगोधी भी गई वा, झंग भी गई वा, हूँ फिर दिया फिर पता नहीं कितने चली जानी है। ठीक है। अच्छा साबिर भाई, कुछ लोग कहते थे असल जो अमृतसरी बीतल बकरियां भी हैं हाँ जी, वो भी बड़ी जिन जिन साइज की होती हैं बड़े। अमृतसरी बकरी का कद बिल्कुल ठीक होता वा। अच्छा, कद उन्होंने ज्यादा होंगे पर जो कन्न लोग अजकल कह रहे कन्न वो नहीं सी उन्होंने। कन्न वो नहीं होता? नहीं। ठीक हो, कन्न उन्हें सिर्फ इन्ना होगा। ठीक, हूँ कहते 12 इंच कन्न लाजमी चाहिए। ऐसे ही है खूबसूरती के लिए वो कह देते हैं। वो तो बंदे अपने बना ले। ठीक है, आ सा ब्रीडर बकरा एक मिनट मार रहा इसका चेहरा। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह ये ब्रीडर है जी। ये दांतों से क्या साबिर भाई? चौगा। चौगा है हाँ जी। बाकी माशाल्लाह चेक करें जी आप लोग। साबिर भाई इसकी लंबाई चेक करो जी, बारीकी चेक करो। माशाल्लाह घर का रखा घर का जी। हाँ जी, बाकी इसकी भी आगे से पट्टे अच्छी आती है। तो साबिर भाई अमूमन आप किस टाइप का बकरा पसंद करते हैं? नागरा, काला डब्बा, शेरा? काला डब्बा। काला डब्बा इस दफा तो शेरा भी एक लियांदा सी, बकरियां कोई क्रॉस कराइया। ठीक है, अल्लाह ख्याल रखे बकरियां सोहणियां, तुहानू बच्चे दिखावांगे शेरे उन्हां दे। अच्छा हाँ जी, हैर के असीं बकरियां शेरे तो बकरे तो क्रॉस कराइया। ठीक है हाँ जी, बाकी कुछ काले से भी हुई हैं? काला डब्बा काले डब्बे से भी हुई हैं। एक मिनट हाँ जी, ये देखो थोड़ा, ये देखें जी नाल दा 6 महीने दे दोनों बच्चे हो गए। 6 महीने के, ये भी बच्चा 6 महीने का जी, वो 6 महीने दा और ये भी 6 महीने का। 6 महीने दा और क्वालिटी वाइज माशाल्लाह टॉप क्लास है। साबिर भाई ये आपके आगे के ब्रीडर बनाएंगे इनको फ्यूचर के? अगले साल वास्ते। माशाल्लाह अगले साल बकरी इन्हें तो क्रॉस करावांगे। सिर्फ 6-6 महीने के हैं और आप लोग इनके कद बेले देख सकते हैं। छोड़ना यार इसको कान से, ये देखें। साबिर भाई पट्ठे भी दिखाएं कुछ छोटे। बाकी साबिर भाई इनकी तो देखभाल भी बड़ी करनी पड़ती है, एक एक चीज पे नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल जी, इन्हें आजकल बुखार हो रहा। ठीक है, किसी मेदे का मसला जी, हर काम देखना पड़ेगा। तो आप ज्यादातर देसी टोटके लगाती हैं या इंग्लिश? इंग्लिश हाँ जी, होनी इंग्लिश, यानी वक्त के साथ साथ जदीद भी होना पड़ता है। जरा ना देसी काम खत्म हो गया। ठीक है, हम सिर्फ टीका चल रहा जी। हाँ देखो जी पठाई अपनी छोटी, ये क्या उम्र होगी इसकी? ये 4 महीने की। 4 महीने की माशाल्लाह, इधर लेगा छोड़ दें। 4 महीने की माशाल्लाह, फेस देखें, कान देखें, लेंथ देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बकरी दी भैण, बाकी और दिखा दें। ये सब बठा साडे घर दी है माशाल्लाह। असी बकरी मोल ही लेनी आपदी घर दी है, बठा पा लेनी है माशाल्लाह। ये 4-4 महीने की है? हां जी 4-4 महीने। साबिर भाई अगर किसी को चाहिए हो दे देंगे। वो बंदा वीडियो देख रहा है अगली, जेड़ा बंदा देख रहा है ले ले, असी शौक ना देनी है, शौक वाला लवे साडे तो शौक वाला। हां जी, क्योंकि आप ब्रीडिंग पे काम करते हैं, नस्ल अपने घर की होती है। घर दी नस्ल साडी जी। हाँ जी, क्योंकि आजकल तो लोग आपको पता है ना क्या, आपका तो माशाल्लाह मियार अपना ही है। थोड़े जे काम च रहे हैं जी, इन्हें कन्न भी नहीं वड्डे ना, इन्हें ऐस लगे जी। वो मैं किसी दिन वेला होके लाऊंगा, काम बहुत है जी। बिल्कुल ऐसे ही और बड़े ज्यादा रेवण है जी साबिर भाई के माशाल्लाह। चेक करते हैं 25-30 इसमें आर की है, नागरिया डब्बियां काली माशाल्लाह। क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
जानवर देख के आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा। आ जाए अब लगी माशाल्लाह जी, चेक करें इसके कान पे भी, इसके निशान भी देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। और साबिर भाई बता रहे थे कि ब्रीडर ये वो छोड़ते हैं कि जो पट्ठे आए आगे से वो दूध में अच्छी आए, जो दूध में अच्छी होगी उसी के बच्चे अच्छे पलेंगे। माशाल्लाह बाकी साबिर भाई आप बकरी में और क्या चीजें देखते हैं, टांगे बॉडी शोडी किस टाइप का? यानी ये जनाब बकरी लात कुछ मोटी होवे, ठीक है, बदन बारीक होवे, ठीक है, ते वाल ना हो ज्यादा, कान सोना होवे। अच्छा ते मेन गल बकरी वाला बंदा जेड़ा हुंदा ओ कहंदा बकरी दा थन चड्डा सोना होवे, ठीक है, हां जी बकरी दा थन चड्डा सोना होना चाहिए, ऐसे ही है, हां जी। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि पेट की साफ बकरी होनी चाहिए जैसा ब्रीडर छोड़े, ये बकरियां दी नस्ल ते डिपेंड करदा हुंदा। अच्छा कोई बकरी जी नस्ली बकरी है जिस तरह ब्रीडर छोड़ो उदा बच्चा लै लो उतो, ठीक है। कई बकरियां होंदियां वा जिहड़ियां क्रासां जो बनियां वो फिर बच्चा जिदा का भी हुंदा दे दिंदियां, ठीक है। लेकिन जो प्योर होती हैं वो प्योर बकरियां उन्हें बच्चा ब्रीडर ते देना हुंदा, जैसा ब्रीडर वैसे बच्चे। साडियां वड्डियां बकरियां वेख लो उन्होंने पट्ठा वेख लो फर्क होएगा बहुत ज्यादा उन्हां दा, ऐसे ही है, हाँ जी। बकरियां होर तबीयत दी होनियां, पट्ठा उन्हां दी होर तबीयत दी होनियां, बिल्कुल। जिस तरह बकरा छड्डो उदां दे असीं बच्चे लै लैणे उन्हां तों। आ देखो सारियां पट्ठा हुण पहलणां लगियां, ये पहलणे हैं जी माशाल्लाह सारे। आ देखो असीं इस करके बकरा घर दा छड्डे, आ देखो अजे पट्ठ होण लगी है माशाल्लाह। और थन देखें, आ थन देख लो पट्ठ दे, ये थन छड्डे वालियां बकरियां बन गईयां माशाल्लाह, हाँ जी। इसलिए जी इनकी बकरियां जो है दूध में अच्छी होती हैं। अभी ये पहले पट्ठे हैं, अब लगी है, लेकिन थनों की लंबाई आप लोग देख सकते हैं, तो आप खुद ही आइडिया कर सकते हैं कि कितने कितने ज़्यादा दूध वाली निकलेंगे इंशाल्लाह ये। बाकी छः छः महीने के बच्चे भी देखें जी, ये छः माह का ये है बॉडी फिजीक, और ये इंशाल्लाह आराम से 46-47 पे तो चला जाएगा साबिर भाई, आराम सुकून से। देखो ये इस तरह थन चड्डा बकरी दा होना चाहिए, बकरी सोहनी लगे ले, देखो ये देखें जी, फेस देखें, बॉडी देखें, और मैं आपको थन दिखाता हूँ, ये देखें, एक मिनट पीछे से दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं दूध में, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं। सिर्फ हम सुइयां नु देर होगी इन्हां नु, अच्छा ये जो बकरियां तैयार होणगियां उदों इन्हां दे थन चड्डे होर होणगे, ठीक है, हाँ जी। माशाल्लाह पट्ठा देखो हम एडी एडी हुई फिर हो गई, हाँ पट्ठ देखो जी कल चला ला, ये पट्ठ भी क्रॉस हुई हुई है, ठीक है। इस स्पेशल शेरे बकरे तो कराई से बच्चा दे रही है ब्रीडर से, बिल्कुल ठीक है। इसको कितना टाइम हो गया होगा क्रॉस हुए? 20 दिन। 20 दिन इसका जी, हवाना भी दिखाते हैं माशाल्लाह, थन देखें माशाल्लाह, ये पहलन पट्ठ है, ये पहलन पट्ठ है माशाल्लाह। साबिर भाई ये तो दूध बड़ा बड़ा ज्यादा देती होंगी माशाल्लाह, 5-6 किलो दूध देती है माशाल्लाह, हाँ जी। और जब दूसरे तीसरे सूए पे जाएंगी तब तो फिर नज़ारा देखने वाला होगा। सानू जनाब वो बकरी मजा नहीं देती जी 5-6 किलो दूध ना दे, ऐसे ही है, हाँ जी। बकरी शाम को जाके जावे 5-6 किलो दूध दे, उस बकरी का फायदा मेरे कादनू ते कन्नू की करना जी बकरी रोजी ना दे, ऐसे ही है, हाँ जी माशाल्लाह। साबिर भाई इस टाइम इधर कितनी बकरी होगी अंदाजन? जनाब साडा 125 जानवर होने, ठीक है। बाकी ऐसे आपके अंदाजन कितने रेवड़ और हैं? एक देखे बंदा दूसरी भूल जाता है, बाकी जी ब्रीडिंग के हवाले से हमने काफी चीजें पूछने की कोशिश की साबिर भाई से, और साबिर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि ये शौक जिद्दी पुष्टि कर रहे हैं। ये देखो जी पहले ना माशाल्लाह पहलन पट्ठे, ये देखें जी पहलन पट्ठों के थन देखें आप, जाहिरी बात है फिर इतना बड़ा थन चड्डा बनाएंगी ये। देखो साहब पहले ना पट्ठा आ रही है माशाल्लाह, कलर चेक करें, खूबसूरती देखें, पहलन पट्ठे हैं ये, होण लगी हैं कोई 10 दिन हो गए, किसी ने 20 दिन हो गए लगी, ठीक है, हां जी। माशाल्लाह ऐसे जानवर देखे जी रूह खुश होती है इंसान की, ये देखें जी कलर देखें इसका भी, फेस देखें, बॉडी देखें,
और साबिर भाई को ज़्यादा शौक है जी बकरियों का। ये ऐसा ब्रीडर छोड़ते हैं कि पट्ठे अच्छी आए दूध में ज़्यादा। बकरियाँ हाइट वाइज अच्छी हैं, लेंथ वाइज अच्छी हैं। देखो ओ माशाल्लाह, ये देखें जी, ये देखो बकरियाँ माशाल्लाह, ये दूसरे दूसरे पट्ठा दोनों माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, देखो बकरी बहुत बहुत ज़बरदस्त थन चढ़ा है जी बकरियों का। जी दोस्तों, आप सभी को मैंने साबिर भाई के जानवर दिखाए हैं जो कि माशाल्लाह जद्दी पुश्ती आ रहे हैं, और इनके दादा से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और इंडिया पाकिस्तान के पहले से इनके पास जानवर हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी दिन इनके दादाजी जो हैं उनका भी इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। बाकी साबिर भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने वो दादा की पिक्चर दिखा दें साबिर भाई। बाकी अपना फ़ोन साबिर भाई घर भूल गए हैं, नहीं तो आपको क्लियर ज़रा पिक्चर दिखाते हैं। बहरहाल ये जी साबिर भाई के दादाजी हैं, चौधरी शरीफ गुजर, चौधरी शरीफ गुजर। इंशाल्लाह इनका भी इंटरव्यू ज़रूर लेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे, तो इनकी भी बातें सुनाएंगे। और ये जब इनका इंटरव्यू लेंगे हम, तो इनसे हम इस ब्रीड के बारे में पूछेंगे कि जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो उसके बाद ये बकरियाँ इधर कैसे आईं, और लैलपुरी बीतल है या कोई और बीतल है, साहिवाल बीतल है, ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।